भाजपा के राज्य में सभी असंतुष्ट हैं। कोई तो खुश होता, हम मानते कि हाँ कोई खुश है, कोई संतुष्ट है, भाजपा राज्य कर रही है। एक अच्छा, एक हमारे खुद के लीडर हैं, अपने लीडर हैं जो राज्य कर रहे हैं और सभी संतुष्ट हैं। लेकिन 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने हो गए हैं, लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही। ये हैं जेके सीमेंट कंपनी में कार्य करते हैं ये लोग, एम्प्लॉयज़ हैं, और इनको भी 28 महीने से सैलरी नहीं मिली। आप सोचिए, 28 महीने से सैलरी नहीं मिली, ये लोग कैसे काम कर रहे होंगे? कोई सुनवाई नहीं, इन नेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहो। नेता बस इस बात में खुश हैं, लोग आ रहे हैं, हमारी सुनवाई हो रही है, इसका मतलब वोट मिल जाए, इनको थोड़ा ठंडा रखो ताकि ये वोट डालें, फिर तड़फाओ वोट लो। ये सब राजनीति चल रही है, लेकिन अब थोड़े लोग समझ गए हैं। लेकिन इनकी सपोर्ट में PHE डेली वेजर जो हैं वो सपोर्ट में आए। तनवीर हुसैन यहाँ पर है, इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू दीपक जी, आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा, आपने अपने वाला काम छोड़ दिया, अब आप इनको सपोर्ट करने आ गए क्या? देखिए, काम तो कोई भी नहीं छोड़ा है, लेकिन अब ये महसूस कमी हो रही है कि अब तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। देखिए दीपक जी, रास्ते जितने भी थे लड़ाई लड़ने के, हमने लड़े हैं, वो आपने खुद भी देखा होगा। कोई गलत कदम तो उठा नहीं सकते हम, लेकिन अब हमारा यही है कि जितने भी ये अनऑर्गेनाइज लोग हैं, इनको इकट्ठा करके एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए जी। लड़ाई चाहे वो कोर्ट में लड़ी जाए, लड़ाई चाहे वो पॉलिटिकल हो, अब उसके लिए जो हम तैयारी करें। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से पॉलिटिकल एक्टिविटियाँ भी बहुत तेज़ हो रही हैं, और ये कहीं ना कहीं फिर हमारे दरवाज़ों पर ये लोग आएंगे दोबारा से वोट लेने के लिए। नहीं, आने देंगे आप? वोट लेने तो आएंगे, आने देंगे? नहीं, चलो वो वक्त फैसला करेगा। हम इनके साथ हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वक्त फैसला करेगा। उसके लिए रणनीति हमारी बन रही है, हमारी मीटिंगें पूरी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तहसील में जारी हैं, और हमने टाइम सरकार को दिया है कि इस महीने के एंडिंग तक जो भी इशू पड़े हैं उनको हल किया जाए। लेकिन मैं आज की बात करूँगा आपको कि आज जो जेके सीमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, 30 के करीब वर्कर जो है, इनको बिना नोटिस दिए हुए सरकार ने अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया है। कर्मचारियों को निकाल दिया है, और उनके साथ जो बाकी 550 थे उनको जो एंगेज ने कर लिया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनको क्या पैरामीटर लगा के जो है इनको डिपार्टमेंट ने बाहर किया है। अब हम डिपार्टमेंट से अब यही अपील करते हैं कि इनको रीएंगेज किया जाए, और उसी आर्डर के मुताबिक जैसे बाकी लोगों का रीएंगेज, क्योंकि उसी आर्डर के तहत ये भी लगे हैं, और उसमें एक आर्डर, कुछ आर्डर ऐसे भी हुए हैं जिनने सिर्फ 89 डेज की सर्विस पूरी की है, और उसके बाद भी उसको उन्होंने कंसिडर किया है। लेकिन ये लोग 9-9 सालों से सर्विस दे रहे हैं, 28 महीनों से सैलरी इनको नहीं है, और ये तर्क दिया जा रहा है डिपार्टमेंट तरफ से कि जेके सीमेंट फैक्ट्री जो है वो घाटे में आ रही है। क्या ये हो सकता है कि जेके सीमेंट फैक्ट्री घाटे में आने वाली बात? ये काम तो कोई नहीं रुका हुआ दिख रहा हमें, सारे काम चल रहे हैं, काम सारे चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जुमला है जो इनको कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्री जो है घाटे में है। इसलिए हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इनसे भी अपील करते हैं आपके चैनल के जरिए कि अगर आप ज़्यादा उलझ जाओगे तो हम भी और ज़्यादा उलझ जाएंगे, तो हो सकता है ये केस जो है, और यहाँ के जितने भी ये मेंटेनेंस जो ऑफिसर्स हैं आगे से, बहुत धांधलियाँ यहाँ पे हुई है, और कहीं ये ना हो कि हमें उनके वो चिट्ठे भी खोलने पड़े, वो भी हमारे पास सिस्टम है। इसलिए हमारी ये अपील है कि इस लड़ाई को ज़्यादा ना उलझाया जाए, इन लोगों की वन टाइम सेटलमेंट की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं जैसे पहले कहा कि इस लड़ाई को अब जो है और तरीकों से भी लड़ना होगा, उसको लड़ेंगे। और पिछले 1.5 साल से मैं ये भी कहूँगा, जो PHE का सेक्टर है जिसमें लैंड ओनर जिनने ज़मीनें दी हैं और जो हमारे साथी हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे 370 हटने के बाद जो ख्वाब हमें दिखा गए थे, जो हमें ये कहा था कि आपको जनत की सहर कराई जाएगी, तो अब देखिए आज कौन सी सहर हमें कराई जा रही है। इस पेंडेमिक में भी हमारे वर्कर जो हैं आज यहाँ रोडों पर अपने हकों के लिए जन्नत की है। देखो, पेड़ों के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा मौका मिलता है कहीं? बिल्कुल सही है, आज 42 डिग्री का टेम्परेचर में भी जो है हमारे लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, और ऊपर से COVID-19 की हालात है, और कोई भी हमारा साथी संक्रमित होगा, जैसे पिछले आपने देखे हमारे PHE के साथी संक्रमित वहाँ पे हुए थे, और उसके बाद कुछ फैमिली के भी उनके लाशेज हुए, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं। यहाँ पे डिक्टेटरशिप जम्मू कश्मीर में चल रही है, इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म होने के लिए अब तमाम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, जम्मू के लोगों को। और जो लीडर है वो सिर्फ कमरों में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ कहीं पर रोडों पर दिख नहीं रहा है। तो अब खुद ही हम इसको जो है फ्रंट लाइन पर आकर अब इन लोगों को जो है जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब उन्होंने देखे हैं, बाकी बातें आपसे करेंगे, पहले इनसे थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, ऊपर बात की दफ्तर वालों से, ऑफिसरों से, क्या कहते हैं ये लोग? सर, दफ्तरों ने बंद करी ओड़िया, बंद करी ओड़िया। हाँ, वो की सर सानू आखदे तुसीं जाओ घरे, सिर्फ तुहाडे वास्ते बंद करी ओड़िया, बाकी वाले एम्प्लॉई कुत्थे गए? 554 बंदा हा पूरा, तो सारे कढ़ी ओड़े सर, उन्दे विचा 524 इन्हें एडजस्ट करी ओड़िया अगे डिपार्टमेंट च। अच्छा, तो सानू 30 मुड़े कढ़ी ओड़िया,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੰਮ ਡੇਡ ਨਾਈਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਇੱਧਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਫੋਰਮ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਤਾਂ 28 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਉਹਦਾ 28 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਉੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਤਾਲਾ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕਰੇੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੋਈ ਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੀ MTI ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਜੂਰੀਆ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸ ਸਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਗਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਗਾ ਅਸੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਯਾਰ ਜੇ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਭੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਈਏ ਹੋਣੀ ਕਿ ਭੇਜੋ ਇਵੇਂ ਉਹ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਓੜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾਣਾ ਡੇਲੀ 6 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇਦਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਕਰੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੜਨਾ ਕੱਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ JK ਸੀਮਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਇਸੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ 2013 ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 2014 ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰ 14-15 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਜੂਰੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਚਲੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੁਣ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾ ਹੋਈ ਜਾ ਸੈਕਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੈਕਟਰੇਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੁਦਰ ਜਾਚੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ 44 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਈਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ ਵੀ ਆਈਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਮੰਗੇ ਸਰ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੜੇ ਆ ਸਤਰੀ ਮੁੜੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਓੜੋ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਓੜੋ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਓੜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਓੜੋ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾ 28 ਦਿਨ ਕੀ ਸੈਲਰੀ 28 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਔਰ ਇਨਕੋ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ये जो मांगे कर रहे हैं हमको लगता है कि इनकी मांगे सुनना ज़रूरी हैं और ये तनवीर हुसैन जिसे हम पहले भी बातचीत कर रहे थे अच्छा सर काफ़ी दूर चले गए थे आप जी अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ आप जैसे आप कह रहे हैं कि अभी सभी को एकजुट होकर आना पड़ेगा जैसे आप इनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो BSF CISF के एस्पायरेंट भी थे वहाँ भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे वहाँ नहीं आ पाए देखिए एक्चुअली क्या था कि जो BSF CISF का जो इश्यूज था वो थोड़ा इससे उस चीज़ से हटके था लेकिन हमने उनकी सपोर्ट फिर भी अपनी जगह पे की जब भी मतलब हमारे पास जहाँ पे हमें मौका मीडिया का मिलना हमें उनसे बात की और उस टाइम में दिल्ली में था मैक्सिमम टाइम आपको पता है कि लास्ट टाइम जो दिल्ली में रहे हैं लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे आए कोविड चला उसके बाद वो सिस्टम वहाँ से उन्हें स्ट्राइक उठ गई लेकिन कल से फिर उन्होंने जो यहाँ पर धरना किया है और मैंने संपर्क करने की कोशिश उनसे की है हम खाली BSF SPS नहीं बल्कि हमें जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं आप पहले सबसे पहले उनको इकट्ठा करेंगे उसके अलावा जितने धरने प्रदर्शन यहाँ पर हुए हैं उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके अलावा जो सोशल संगठन से लोग जुड़े हुए हैं जो एक अच्छी सोच रखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ के युवाओं के लिए इनको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा प्लान जो है उस पर डिस्कशन हो रही है क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है इन लोग अपनी बात मनवाने के लिए अब तो, अभी आप जाएंगे भाजपा के पास कि हाँ हम आपको वोट देंगे हमारा काम कर लो नहीं अब इस महीने का हमने टाइम रखा है अभी तक अगर देखो हमें दिल्ली जी अब हम डिपार्टमेंट में आए थे एक सिंपल कैजुअल लेबर्स आया था पानी खोलने का हमारा काम था मोटर चलाने का काम था हालात ने हमें लीडर उस टाइम बनाया हालात सब कुछ कराते दिए क्या ये सिर्फ भाजपा जो है लीडर मैं जैसे कहूँगा ये लीडर पैदा खुद कर रही है खुद यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों को यहाँ पे लीडरों को जन्म दे रही है और कहीं ये ना हो जो हल्के में हमें ले रहे हैं
एक बहुत बड़ी आग जो है जम्मू कश्मीर में लग जाए। 6-7 हज़ार की नौकरी है जिसमें खुद का पेट हमें एक बंदे का नहीं पालता, उसमें अपने परिवार को क्या पालेंगे हम? ये क्या हल्के में ले रहे हैं अब लोग, इनको हल्के में ले रहे हैं, बाहर आने नहीं देते लोग इनको। बिल्कुल, अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इनकी। अब थोड़ा यहाँ से, जैसे आपने देखा कि जो सियासी गर्माहट आपको थोड़ा एक महीने से एक हफ्ते से यहाँ पर लग रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे है लोगों का गुस्सा फूटेगा और लोग रोडों पर निकलेंगे। आज वही लोग रोडों पर हैं जो यहाँ पर कहते थे कि भाजपा को हमलाएंगे यहाँ पर, जो हमारे जम्मू के साथ इंसाफ होगा। और आज देखो आप जगह जगह पर क्या हालात है, जगह जगह पे लोग आज रोडों पर हैं। तो कब तक हम जो है हाथ फैलाते रहेंगे, कब तक हम इनके सामने दामे फैलाते रहेंगे? इसलिए अब इनसे अपील है कि जो सारे इश्यूज हैं जिनको सेटल किया जाए, अगर सेटल नहीं करते हैं तो फिर तंग आमद बराए जंग आमद, उसके अलावा हमारे को चारा नहीं है। और अब विगल फूंकते ही हम देर नहीं लगेगी और पूरी तरह से हम जितने भी हमारी कॉन्फ्रेंसियाँ हैं, देखो यही लोग जो होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो सरकारें बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, और कहीं ये ना हो कि इनकी कुर्सियाँ जो इस बार हैं लखनपुर से पार फेंक दें। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं भाजपा के लिए, आने वाले समय में। वैसे तो मुश्किलें बढ़ ही गई हैं, हमें तो लगता नहीं है कि आने वाले समय तो आ ही गया है, लेकिन ये एक महीने का समय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक महीने के अंदर ये बात इनकी माने, नहीं तो ये सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन जो है वो जम्मू के अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये एम्प्लॉयज़ जेके सीमेंट के अंदर काम कर रहे थे, इनकी जो मांगे हैं वो पूरा करना ज़रूरी है अगर जेन्युइन हैं तो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।